Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and आपकी preparations भी काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी. आई हूँ आप सभी के बीच एक बहुत ही धमाकेदार जॉब की अपडेट के साथ जो कि डायरेक्ट निकल करके आ रही है यूपी पुलिस की तरफ से SI यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए. ग्रुप सी की पोस्ट है. ऑल इंडिया की वैकेंसी है. मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ आपको एग्जाम की पैटर्न, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, फिजिकल क्राइटेरिया, सारा कुछ आपको डिटेल वे में बताने वाली हूँ. तो अगर आप भी इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया है कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है. आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 2469 रहने वाला है. यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेट की बात करूँ तो आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको आउट हो चुका है 15 जुलाई 2023 को. एंड आपका जो फॉर्म स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, ये आपको जुलाई लास्ट तक या फिर आपको अगस्त में तो स्टार्ट हो ही जाना है. सो आप लोग टेंशन मत लो, आपको सरकार ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है तो ये वैकेंसी बहुत जल्द ही कंडक्ट करा लिया जाएगा. फॉर्म की फी की बात करें फ्रेंड्स, तो जनरल और ओबीसी से यहाँ पे 400 रुपीज लिया जाएगा. वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपसे यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे. एज लिमिट एज ऑन आपका 1 जुलाई 2023 कैलकुलेट किया जाएगा. मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स रहने वाला है. यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन जो है ओबीसी SC ST को 5 ईयर्स का मिलता है. अदरवाइज और भी कैटेगरीज की जो आपको रिलैक्सेशन मिलती है आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हो. चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में उसको अच्छे से देख लेना. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, आप हो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मिनिमम 50% से आप अगर पास हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो. और यहाँ पे अभी मैंने जैसे बताया था कि फॉर्म फी और क्राइटेरिया वगैरह, तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स होंगे उनके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरे यार, मैं तो बिहार से हूँ, हरियाणा से हूँ, पंजाब से हूँ, राजस्थान से हूँ, तो क्या मैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? जी जरूर, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो. बट अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा. आप उस स्टेट के लिए एज ए जनरल कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई करोगे. तो ये चीज को एक बार अच्छे से आप समझ लो, उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए हम लोग बढ़ेंगे. तो जैसा मैंने आपको बता दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो अब बता देती हूँ एग्जाम डेट क्या अनाउंस किया गया है. तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में ये अनाउंसमेंट कर दी गई कि आपका एग्जाम जो है दिसंबर 2023 में कंडक्ट करा लिया जाएगा. सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 मेजर स्टेज पे डिपेंडेबल है. फर्स्ट आपका रिटन टेस्ट होगा, देन आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड साथ ही साथ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाता है. उसके बाद आपका PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है. उसके बाद सिंपल सा मेडिकल, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है. तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो है रिटन एग्जाम की पैटर्न को एक्सप्लेन कर देती हूँ. फ्रेंड्स, यहाँ पे 160 क्वेश्चन होता है 400 मार्क्स के लिए. 2 आवर्स का पेपर होता है. नो निगेटिव मार्किंग हेयर. लेकिन हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो 1 क्वेश्चन होते हैं ना वो 2.5 मार्क्स के लिए होते हैं. यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाइज आपसे पूछा जाएगा, जनरल हिंदी के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए. जनरल नॉलेज में ना 3 सब्जेक्ट से आपका मेनली पूछता है, बेसिक लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशन से, जनरल नॉलेज के, मतलब तीनों को कंबाइंड करके 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए. मैथ के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए. ओवरऑल 160 क्वेश्चन 400 मार्क्स के लिए. 2 आवर्स का पेपर होगा विदाउट एनी निगेटिव मार्किंग. फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मिनिमम पासिंग मार्क्स ना एक डिसाइड किया गया कि आपको ईच सब्जेक्ट से आपका 35% आपको लाना है पासिंग मार्क्स, एंड ओवरऑल आपको 50% मिनिमम लाना है तब जाके आप पास करोगे. तो चलिए अब मैं आपको फिजिकल की क्राइटेरिया की बता देती हूँ. सबसे पहले तो आपका PST होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट. उसमें पहले हाइट की मेजरमेंट होती है. तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल OBC EWS का मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है 168 सेंटीमीटर. ST वालों के लिए 160 सेंटीमीटर है.
फीमेल्स के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है 152 सेंटीमीटर एंड एसटी कैटेगरी फीमेल्स के लिए 147 सेंटीमीटर रहने वाला है। चेस्ट की रिक्वायरमेंट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है, जनरल ओबीसी और एससी का 79-84 सेंटीमीटर है, वहीं पे एसटी कैंडिडेट्स के लिए 77-82 सेंटीमीटर रहने वाला है। फीमेल्स के यहाँ पे वेट की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 40 केजी, अगर आपका मिनिमम वेट है तो आप एकदम एलिजिबल रहने वाले हो। उसके बाद होता है फ्रेंड्स आपका पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो इसमें आपका रनिंग होती है मेल्स के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग इन 25 मिनट्स, फीमेल्स के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग होती है आपको 14 मिनट्स में। सो फ्रेंड्स ये तो आपका हो गया सारा आपका सिलेक्शन की प्रोसेस हो गई। एंड जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑब्वियसली यूपी की है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से ये एसआई की पोस्ट रहेगी, तो वहाँ पे ही आपको ऑब्वियसली जॉब करना होगा। एंड आपको यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छा खासा दिया जाने वाला है, मतलब कि आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होता है 27,900 टू 1,04,400 के अप्रॉक्स में आपका बाद में इंक्रीमेंट के बाद ये हो जाता है, बट ये सिर्फ कहने के लिए कि आपका इनिशियली 27,900 दिया जाएगा, मिलना तो आपको है 45,000 टू 50,000 के बीच में ही फ्रेंड्स। तो तैयार हो जाओ आप लोग, अपने जो प्रिपरेशन की स्पीड है उसको बूस्ट करो ताकि एक बार में ही आप इस जॉब को क्रैक कर पाओ। सो आई होप कि मैंने जो भी बेसिक डिटेल आपको बताया है यूपी पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2023 के लिए, आप लोग उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और समझने में कोई सी भी दिक्कत है फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही लेना, अदरवाइज आप चाहो तो मुझसे और भी जगह पे पूछ सकते हो, जैसे मेरा फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी इन वीडियोज़ को शेयर करना ताकि उनको भी टाइम टाइम पे आने वाली जॉब के बारे में पता चल सके। सो मिलूंगी आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।